नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार और मैं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम स्ट्रोक के बारे में क्या सही है और क्या गलत है और बहुत सारे मिथ्स भी हमारे समाज में फैले हुए हैं स्ट्रोक के बारे में, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक में अचानक किसी को पैरालिसिस और एक साइड में कमजोरी होती है और जनरली हम लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ओल्ड एज या बुढ़ापे में हो सकती है, यंग को नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्ट्रोक के मरीज 30 से 40 के बीच में या 40 से 50 के बीच उम्र में भी हो सकती है। तो स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज या 60 या 70 के बाद ही हो। तो किसी भी यंग एज में भी अगर ये सिम्टम्स दिखें तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो मरीज को स्ट्रोक हो सकती है। दूसरा ये है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स हम ठीक से पकड़ नहीं सकते और बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हार्ट अटैक में सबको पता है कि छाती में दर्द होगी तो हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक में लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आपको याद रखना है कि सिर्फ 3 या 4 सिम्टम होते हैं स्ट्रोक के जो कि मुख्य हैं। उसमें सबसे फर्स्ट क्या है, नंबर 1, अचानक एक साथ एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर दे या फिर कमज़ोर हो जाए, तो सबसे कॉमन वो स्ट्रोक के सिम्टम्स है। दूसरी, अगर चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, एक साइड कमज़ोर हो जाए, एक तरफ चेहरा मुड़ जाए। तीसरा, अगर मरीज बोलना चाहे और आवाज़ नहीं निकले या फिर वो समझ नहीं पाए। और चौथा, बहुत सीवियर हेडेक स्टार्ट हो जाए। तो ये 4 सिम्टम में से कोई भी एक सिम्टम दिखे तो ये स्ट्रोक हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी पकड़ सकता है कि ये स्ट्रोक होने का सिम्टम है और उसे हम अस्पताल लेके जा सकते हैं। तीसरा मिथ क्या होता है कि अरे स्ट्रोक में क्या कर सकते, सिर्फ एक एस्पिरिन की गोली खिला दो घर में, हॉस्पिटल जाएँ तो क्या फ़ायदा होगा। ऐसी बात नहीं है। एस्पिरिन वो पुरानी ट्रीटमेंट है, अभी हमारे पास 20-25 साल से एक से एक अच्छे थ्रोम्बोलाइटिक जो कि क्लॉट को डिजॉल्व मतलब पिघला देते हैं, वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आ जाएं तो फिर वो इंजेक्शन हम देके क्लॉट को डिजॉल्व कर सकते हैं और मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ आप एस्पिरिन खिला दीजिए और उससे काम हो जाता है, नहीं, ऐसी बात नहीं। हॉस्पिटल आइए और वो क्लॉट डिजॉल्विंग थेरेपी का आनंद या फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चौथी बात, हम क्या बोलते हैं कि अरे ये स्ट्रोक को हम मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकते, कुछ भी करें तो जिसको लकवा होना है वो हो ही जाता है। ये भी गलत है। अगर आप रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल करेंगे तो फिर स्ट्रोक से बच सकते हैं। जैसे कि किसी को शुगर की बीमारी है, हाई बीपी है या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो करेक्ट दवाई लेकर के अगर हम शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में रखें तो फिर लकवा स्ट्रोक नहीं होता। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए। शराब से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, उसे भी कम कर देना चाहिए। तो फिर अगर हम ये सब सही जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे तो स्ट्रोक से बच सकते हैं, और किसी को अगर स्ट्रोक या लकवा हो भी जाए तो फिर सही से इलाज करा के वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।